नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। शहर में अपराधी हुए बेखौफ, बैंक से रुपए निकालकर घर जा रही महिला से दिन दहाड़े 2 लाख की हुई लूट, जांच में जुटी पुलिस। पर्व त्योहार को लेकर डीआरडीए सभागार में शांति समिति की हुई बैठक, डीएम ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील। एसएम कॉलेज में डिजिटल तरीके से दी गई आधुनिक भागलपुर की जानकारी, कई ऐतिहासिक धरोहर से छात्राएं हुई रूबरू। पीरपैंती में गंभीर बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू, बिजली अभियंता के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। और नगर निगम कार्यालय में स्थायी समिति की बैठक, साफ सफाई और जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। एक ओर पुलिस जहां दिन भर सघन वाहन तलाशी अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधी दिन दहाड़े सरेआम लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार को खलीफाबाग चौक स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 2 लाख रुपए निकालकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वरुण कुमार झा अपनी माँ के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान घंटाघर चौक के समीप बाइक सवार अपराधियों ने रुपए से भरा थैला छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित वरुण ने घटना की सूचना जोगसर थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली और जोगसर पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई। पुलिस घंटाघर चौक से बैंक तक लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। लालबाग निवासी प्रीता प्रेमा झा ने बताया कि घंटाघर चौक के समीप रुपए से भरा थैला लेकर कार में बैठे थे। इसी दौरान 2 बदमाशों ने थैला छीन लिया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन तब तक अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पैसा निकाल करके हम लोग घर जा रहे थे, रास्ते में थोड़ा वो फल का जो दुकान पड़ता है वो घंटाघर चौक के पास, वहाँ पर रुके। वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल था, एक आदमी जो है मेरी माँ के हाथ में पर्स में पैसा वगैरह था, तो वो उसको लेकर के छीन करके भाग गया। करीब 2 लाख रुपया था, तुरंत हमने बैंक से निकाला था। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में जिला अधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने अधिकारियों एवं शांति समिति के सदस्यों को बकरीद, स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बकरीद के दिन सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर पुलिस अधिकारियों एवं तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपसी सद्भाव का माहौल कायम करने और कांवरिया एवं बकरीद मनाने वाले को बेहतर ढंग से त्यौहार संपन्न कराने की बात कही गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सैंडिस कंपाउंड में मुख्य समारोह, सभी सरकारी कार्यालयों एवं महादलित टोला में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाने की बात कही गई, जबकि 17 अगस्त को होने वाले विषहरी पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए शांति समिति एवं विषहरी पूजा समिति के पदाधिकारियों ने अपने विचार प्रकट किए, जिस पर काफी चर्चा कर डीएम एवं एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस बल की तैनाती और विसर्जन रूट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान विसर्जन मार्ग की साफ सफाई व्यवस्था, रोशनी, स्वास्थ्य, जर्जर सड़क, जर्जर बिजली के तार, जलापूर्ति समेत विभिन्न विषयों पर डीएम ने अधिकारियों से जानकारी ली और सभी त्यौहार आपसी सद्भाव भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर चर्चा हुई। साथ ही शांति समिति के सदस्यों ने भी प्रशासन को बकरीद, स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं विषहरी पूजा सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का भरोसा दिया। बैठक में नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी, एडीएम राजेश झा राजा, सहायक डीएम आशुतोष कुमार, नौगछिया एसपी निधि रानी, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सदर एसडीओ आशीष नारायण, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर निसार अहमद समेत कई पदाधिकारी के अलावा शांति समिति एवं पूजा समिति के सदस्य मौजूद थे। भागलपुर एसएम कॉलेज में गुरुवार को इतिहास विभाग की ओर से आधुनिक भागलपुर का पावर पॉइंट प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिन्हा, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर मिथिलेश कुमार तिवारी, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और डॉक्टर अनुराधा प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद डॉक्टर रमन सिन्हा ने प्रोजेक्टर के माध्यम से भागलपुर की विरासत को विस्तार से दिखाया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित तिल्हा कोठी से लेकर खंजरपुर तक के अनछुए पहलू को शामिल किया गया है।
डॉक्टर सिन्हा ने भागलपुर जिला जज आवास पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पत्र फतेहजंगी का मकबरा और मोक्षदा स्कूल से शुरू होने वाले SM कॉलेज की जानकारी छात्राओं और शिक्षकों को दी। प्राचीन धरोहर को दिखाते हुए बताया गया कि कैसे अंग से भागलपुर नामकरण हुआ। कार्यक्रम में ग्रेटर भागलपुर सिटी ऑफ गुडलक और ग्रेटर भागलपुर के विभाजन से लेकर वर्तमान परिदृश्य को शामिल किया गया था। वहीं प्राचार्य अर्चना ठाकुर ने कहा कि भागलपुर का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर नीलम नीरज समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं आधुनिक भागलपुर के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शिवशंकर सिंह परिजात की सराहनीय भूमिका रही। हाँ, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं खासकर अपने इतिहास के छात्राओं सहित अन्य शिक्षकों और छात्राओं के लिए प्रेजेंट भागलपुर का इतिहास के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें टिल्ला कोटी से लेकर तिलका मांझी तक के वो सारे विरासत धरोहर हैं जो रोज़ लोग देखते हैं। इसमें ईसाई, मुस्लिम, बंगाली सहित कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अब तक छुपे हुए थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठियाँ हैं, जब राष्ट्रपति थे उनका भागलपुर से व्यक्तिगत संबंध था, वो सारी चिट्ठियाँ हैं जो मैं आज इतिहास के नज़रिए से अपने विद्यार्थियों को ऐतिहासिक जागरूकता और पर्यटन के विकास के लिए योगदान करने का प्रयास करूंगा और जागरूक करूंगा। 8 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है, इतिहास के पन्नों में ये अंकित हो चुका है कि 8 अगस्त को ही पहली क्रांति अंग्रेज़ों के विरोध में प्रारंभ हुई थी। लेकिन आज उसके साथ साथ हमारे विभागाध्यक्ष इतिहास के डॉक्टर रमन सिन्हा ने उसके साथ एक और प्रोग्राम का आयोजन किया है, आधुनिक भागलपुर। बड़ा ही रोचक विषय रखा है, क्योंकि हम भागलपुर में रहते तो हैं, यहाँ की मिट्टी में क्या क्या विशेषताएँ हैं। भागलपुर शहर कोई मामूली शहर नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में भी इसकी चर्चा होती है। बहुत सारी बातों को सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में उसके पहले भी बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिनके द्वारा ये भागलपुर एक विख्यात शहर है। कहलगांव अनुमंडल के पीरपैथी प्रखंड परिसर में बिजली समस्या से त्रस्त लोग गुरुवार को आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की। गांधी युवा मंच के बैनर तले ग्रामीणों ने पीरपैथी में गंभीर बिजली संकट से निजात दिलाने की मांग सरकार से की है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना पैसे दिए अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली संकट के कारण किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना प्रखंड के ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही बिजली कर्मचारियों के कार्यशैली में सुधार की मांग जिले के वरीय अधिकारियों से की है। भागलपुर नगर निगम महापौर कार्यालय कक्ष में गुरुवार को अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मेयर सीमा सानी की। इस दौरान नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी की मौजूदगी में नगर निगम में चल रही कई विकास योजनाओं पर अस्थायी समिति के सदस्यों ने अपनी बात रखी और साफ सफाई समेत जलापूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। बैठक में संवेदकों को तय समय अवधि में कार्य पूरा नहीं करने पर ब्लैक लिस्टेड करने, नियत अवधि में कार्य पूरा कराने, विषहरी पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस एवं बकरीद को लेकर साफ सफाई एवं लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कराने, नियमित रूप से शहर में जलापूर्ति की व्यवस्था करने, प्रयोगशाला निर्माण कराने और पेन इंडिया द्वारा पाइपलाइन बिछाने के नाम पर काटे गए सड़क की मरम्मति कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही शहर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा कर निर्बाध जलापूर्ति कराने और मुख्य सड़कों के साथ सभी वार्डों में साफ सफाई कराने की बात कही गई। इस मौके पर उप महापौर राजेश वर्मा, उप नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर रवीश कुमार, पार्षद संजय सिन्हा समेत कई शाखा प्रभारी एवं समिति के सदस्य मौजूद थे। बांका के सुइया कटोरिया मुख्य मार्ग पर सतलेटवा मोड़ के समीप गुरुवार की सुबह कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार पर सवार आधा दर्जन कांवरिया घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी कांवरिया बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। गुरुवार की सुबह सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर कांवरिया कार से देवघर जा रहा था। इसी दौरान सतलेटवा मोड़ के समीप ड्राइवर को नींद आ गया और गाड़ी एक घर में जा घुसा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कटोरिया पुलिस ने कार को जब्त कर लिया।
बिहार शिक्षा सचिव के निर्देश पर गुरुवार को जिले के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने छात्रों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति, पोशाक योजना एवं संसाधनों की जानकारी ली। नाथनगर के मध्य विद्यालय भीमकत्ता में DPO मणिकांत प्रसाद गुप्ता ने जाँच की। जाँच के दौरान छात्रों की कम उपस्थिति पर प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई। DPO ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर बच्चों से बात की और मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर प्राचार्य को अभिभावकों से मिलकर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने की बात कही। वहीं सनहोला के प्राथमिक विद्यालय बेलसर की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिवशंकर सिंह ने की। इस दौरान BEO ने प्राचार्य को आवश्यक निर्देश देते हुए विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति को लेकर रजिस्टर पंजी मेंटेन कर रखने की बात कही। साथ ही विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क TV। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क TV। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के हिंदी विभाग में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बर्षभूषण तिवारी ने की। जयंती के अवसर पर छात्र छात्राओं ने तुलसीदास की रचनाओं पर अपनी बात रखी। डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि तुलसीदास की रचना को जनता का काव्य कहा जाता है, जबकि डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने तुलसीदास द्वारा संस्कृत, अवधि और ब्रज भाषा में रचित रचनाओं को महत्वपूर्ण बतलाया। मंच संचालन करते हुए सूरज कुमार और पूजा कुमारी ने तुलसीदास के साहित्य पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद रहे। वहीं भागलपुर के नरगा कोठी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में भी बुधवार को तुलसीदास जयंती मनाई गई। विद्यालय के उपप्रधानाचार्य अशोक मिश्र, राजीव लोचन एवं राजेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से गोस्वामी तुलसीदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपप्रधानाचार्य ने कहा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया है। वहीं राजीव लोचन झा ने कहा कि रामचरितमानस में भरत का त्याग, राम का माता पिता के प्रति भक्ति, भाई का स्नेह और माँ की ममता के लिए अनुकरणीय है। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक छात्र छात्राएँ मौजूद थे।
रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर भागलपुर के दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल की ओर से सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए राखी भेजी गई। स्कूल के शिक्षक एवं छात्राओं द्वारा 8 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ी आकर्षक राखी बनाकर सैनिकों के प्रति अपनी भावना दर्शाई और सैकड़ों राखियां भी भेजी। स्कूल के डायरेक्टर संजय पासवान ने कहा कि अगस्त का माह काफी पवित्र महीना होता है और इसमें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का त्यौहार एक ही दिन है और देश एवं देशवासियों की रक्षा करने वाले सैनिक की रक्षा के लिए बॉर्डर पर स्कूल एवं छात्राओं के सहयोग से राखी भेजी गई है। एक्चुअली भागलपुर में एक अचानक माहौल बना अपने सैनिकों के लिए कि राखी बंधन का पर्व है और हमें राखी बनाना चाहिए और बच्चों को इसमें क्रिएटिव होना चाहिए और बच्चे जो स्कूल में स्कूली बच्चे हैं यानी बहनें हैं उनको अपने भाइयों के लिए बॉर्डर पर भेजना है राखी, तो फिर क्या थी व्यवस्थापक और व्यवस्था में लगे टीचर लग गए और सैकड़ों की संख्या में राखी बना, लेकिन इसमें कुछ खास राखियाँ बना जो एक स्पेशल राखी बना जिसकी लंबाई 8 फीट है, चौड़ाई 4 फीट है, एक स्पेशल राखी है जो सैनिकों के भाइयों के पास जाना है। वहीं छात्रा ने कहा कि सैनिक भी हमारे भाई है और देश की रक्षा के लिए सीमा पर लगातार तैनात रहते हैं, इसलिए हम लोग उनकी रक्षा के लिए राखी भेज रहे हैं। हम यहाँ अपने भाइयों को राखी बांधते हैं सबको, क्या उनके भाई बहने नहीं होंगे, क्या उनको मन नहीं करता घर आने का? इस वजह से हम अपने राखी के थ्रू ये उनको अपना संदेशा भेजना चाहते हैं जो कि आज वो वहाँ है, इस वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं। अगर वो वहाँ नहीं होते शायद हम यहाँ नहीं होते। हम अच्छे से बैठते हैं, पढ़ते हैं, इतना फ्रीली मतलब पूरा हम लोग को फ्रीली मूवमेंट इंडिपेंडेंस दिया जाता है ड्यू टू द सोल्जर ऑफ आर्मी, उसके वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इस वजह से हम उनको इनके हौसले को बढ़ाने के लिए ये राखी को बनवाया है और हमारे भाइयों और बहनों की संदेश उनके पास जाए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के साइकिल स्टैंड की छत जर्जर हो चुकी है और यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्टैंड में प्रतिदिन विश्वविद्यालय के कर्मचारी साइकिल और बाइक लगाते हैं। प्रशासनिक भवन में बने स्टैंड के छत का प्लास्टर झरझर कर गिर रहा है, लेकिन इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। वहीं साइकिल स्टैंड के छत मरम्मति को लेकर विश्वविद्यालय चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के सचिव बलराम सिंह ने रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया है। मामले को लेकर रजिस्ट्रार ने बताया कि संबंधित अधिकारी को मरम्मत कार्य का निर्देश दिया गया है। साइकिल स्टैंड का बहुत दयनीय स्थिति है, इसके लिए हम कुल सचिव महोदय को आवेदन भी दिए, वो औचक निरीक्षण किए इंजीनियर के साथ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जस के तस है, कभी भी अप्रिय घटना घट। भागलपुर के खरमनचक स्थित मित दलान में गुरुवार को सलमान अनवर फिल्म्स के बैनर तले थर्सडे टीज ऑफ वाटर का प्रीमियर आले के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एवं इफ्टा के संयोजक संजीव कुमार के द्वारा किया गया। फिल्म में पानी की बर्बादी को लेकर हमें भविष्य में किस तरह की परेशानी आ सकती है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस अवसर पर मित दलान के संचालक रंजीत कुमार, राहुल कुमार, सचिव शशि शंकर, निर्देशक मिथिलेश कुमार, कलाकार सलमान अनवर, अतुल कुमार, सज्जन कुमार, आशीष कुमार, विक्रम कुमार, रितेश रंजन सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर DRDA सभागार में DDC सुनील कुमार की अध्यक्षता में चाइल्ड लाइन से संबंधित बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के वरीय कार्यक्रम पदाधिकारी सुशोभन ने चाइल्ड लाइन के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि चाइल्ड लाइन आपातकालीन सेवा है और यह 24 घंटे कार्य करती है। इस दौरान नौगछिया रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड लाइन हेल्प डेस्क का गठन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा या बच्चों के साथ होने वाले गलत कार्यों की सूचना अविलंब चाइल्ड लाइन पर देने की बात कही। इसके लिए 1098 हेल्पलाइन के बारे में DDC ने रेलवे के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों से बच्चों की सुरक्षा से संबंधित बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्य विशेष कुमार, पुलिस इकाई के नोडल पदाधिकारी, नौगछिया रेलवे सुरक्षा बल एवं चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस विषहरी पूजा और बकरीद को लेकर साकुन थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने की। इस दौरान साकुन वीडियो अमर कुमार मिश्रा ने शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील लोगों से की। थाना अध्यक्ष ने कहा कि त्यौहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने बिजली के झूल रहे जर्जर तार को दुरुस्त कराने की मांग मौजूद अधिकारियों से की।
मौके पर पीयूष पासवान, अखिलेश सिंह, हरिनंदन मंडल, मकसूद आलम सहित कई लोग मौजूद थे। बांका के धौरैया SDMY कॉलेज परिसर में गुरुवार को कॉमरेड वासुदेव यादव का 29वां शहादत दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व MLC संजय कुमार ने अपने स्वर्गीय पिता के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा दलितों, गरीबों, दबे कुचले की आवाज को उठाते हुए शहीद हो गए। वहीं BN कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव डॉक्टर अजय कुमार यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि उनके पिता द्वारा जो इस सुदूर देहात में शिक्षा की लौ जलाई गई थी, उसे निरंतर जलाते हुए आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इस अवसर पर जिला मंत्री मुनिलाल पासवान, रंजन शर्मा, संजीव सिंह चुन्ना, गौतम सिंह, नवल किशोर यादव, विंदेश्वरी चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। वन महोत्सव को लेकर गुरुवार को बांका के खेसर थाना परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। थाना अध्यक्ष बिमल कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता पवन कुमार सौरभ ने संयुक्त रूप से पूरे थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि जीवन को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हमें अपने आसपास पौधे लगाने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे लगाने से नहीं बल्कि देखभाल भी करनी होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षित हो सके। इससे पूर्व मध्य विद्यालय भीतिया, स्वामी विवेकानंद एकेडमी सहित कई सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में वृक्षारोपण किया गया। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं भागलपुर नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में नमामि गंगे योजना के तहत भागलपुर के बरारी श्री घाट पर प्रतिदिन भव्य श्री गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। श्री गंगा महाआरती में प्रत्येक दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर गंगा आरती का आनंद ले रहे हैं। इससे एक ओर जहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों को लाभ होता है, वहीं गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि गंगा आरती के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जबकि इस तरह के आयोजन से नमामि गंगे योजना को पूरा करने में मदद मिलेगी। श्री गंगा महाआरती के व्यवस्थापक जटाशंकर मिश्रा ने कहा कि रेलवे रेल यात्री संघ पूरी निष्ठा के साथ स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा एवं स्वच्छ रेल के विचार से कार्य कर रही है और समाज के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा महाआरती के माध्यम से लोग गंगा तट पर एकत्रित होते हैं और इसके कारण गंगा की नियमित साफ सफाई भी संभव हो पाती है। नमामि गंगे योजना को सफल बनाने के लिए संस्था ने गंगा जल संरक्षण, जल संचयन और घाट स्वच्छता के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में की जा रही गंगा महाआरती की सूचना ट्विटर के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय को भी दी जा रही है, जिसको लेकर मंत्रालय ने संस्था और भागलपुर नगर निगम के प्रति आभार व्यक्त किया है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। शहर में अपराधी हुए बेखौफ, बैंक से रुपए निकालकर घर जा रही महिला से दिन दहाड़े 2 लाख की हुई लूट, जांच में जुटी पुलिस। पर्व त्योहार को लेकर DRDA सभागार में शांति समिति की हुई बैठक, DM ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील। SM कॉलेज में डिजिटल तरीके से दी गई आधुनिक भागलपुर की जानकारी, कई ऐतिहासिक धरोहर से छात्राएं हुई रूबरू। पीरपैंती में गंभीर बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का आमरण अनशन शुरू, बिजली अभियंता के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और नगर निगम कार्यालय में स्थायी समिति की हुई बैठक, साफ सफाई और जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने पर हुई चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।